हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वेलांगरी में 65वीं जिला स्तरीय हॉकी एवं लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आगाज। वेलांगरी स्थानीय कस्बे में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान में 65वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय त्रिदिवसीय हॉकी एवं लॉन टेनिस खेलों का गुरुवार को सरपंच कवलीबाई देवासी, उप सरपंच साबू सिंह देवड़ा, भवर सिंह जिला शिक्षा अधिकारी, राजेश बार्बर पर्यवेक्षक, राजीव त्रिवेदी पीईओ, भवरलाल माली प्रधानाध्यापक, ईश्वर राज पुरोहित एसएमसी अध्यक्ष के सानिध्य में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आगंतुक अतिथियों द्वारा मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अतिथियों का माल्य अर्पण साफा व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 14 वर्षीय हॉकी छात्र वर्ग 5 टीम, छात्रा वर्ग 4 टीम एवं लॉन टेनिस छात्र वर्ग 4 व छात्रा वर्ग में 4 टीमों के साथ कुल 17 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में छात्र वर्ग में रूप रजत इंटरनेशनल स्कूल सिरोही व आदर्श विद्या मंदिर सिरोही के बीच खेला गया, जिसमें रूप रजत इंटरनेशनल ने कड़े मुकाबले में 1-0 से जीत हासिल की एवं छात्रा वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विलांगरी एवं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहब्बत नगर के बीच खेला गया, जिसमें कड़े मुकाबले के बाद मैच ड्रॉ रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शारीरिक शिक्षक महेंद्र सिंह देवड़ा, राजेंद्र सिंह देवड़ा, भवर सिंह राठौड़, परमवीर सिंह देवड़ा, प्रवीण कुमार, मैना कुमारी, उर्मिला खंगराराम देवासी, प्रकाश कल्बी, अमृत माली, वीरेंद्र सिंह राठौड़, हेमंत कौर जानी, शरद सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन चुन्नीलाल राणावत ने किया। जागरूक टीवी के वेलांगरी से ईश्वर राज पुरोहित की रिपोर्ट।